हमें लगता है भाभी की सबसे बड़ी इच्छा थी कि ट्विंकल ई घर की बहू बन के आए। इसी के लिए तो बेचारी आखिरी सांस तक लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई। मतलब तुम जे कह रही हो कि हम हमारे सोन का दूसरा ब्याह वो टिंकलिया से कर दे और खुद जेल चले जाए। मंदबुद्धि, अरे कानून की कछु जानकारी हमारे जमाई बाबू से भी ले लिया करो। अम्मा अम्मा अम्मा, तुम तो हमारी आदत जानती हो, ना तो हम कुछ गैर कानूनी सोच सकते हैं, ना ही कुछ गैर कानूनी काम कर सकते हैं। अम्मा, हम तो ये कह रहे हैं कि ट्विंकल को इस घर की बहू बनाकर लाए तो, मतलब राहुल का ब्याह ट्विंकल से करा दे तो। वैसे भी राहुल ट्विंकल को पसंद करता है, ऐसे में भाभी की भी इच्छा पूरी हो जाएगी और राहुल का भी मन रह जाएगा। हाँ, बहुत ही अच्छी बात करता है ना। अरे उसे ट्विंकल या तुम्हारे घर की बहू बनेगी, हमारे घर की नहीं। अरे कैसी बातें करती हो अम्मा, राहुल तुम्हारे घर का भी तो बेटा है ना। हाँ कर दो नानी। अरे तू कहाँ से आ गया? अरे अपने मतलब की बात सुन के हम माँ बेटे कहीं से भी आ जाते हैं। कहा? वैसे तुमको तो पता है। अरे वो सब छोड़ो अम्मा, तुमको तो पता है ट्विंकल वैसे भी राहुल की आधी पत्नी बन चुकी है, बस फेरे लेना बाकी है। और आपके आशीर्वाद से वो भी हो जाएंगे। बात तो तुम ठीक कह रहे हो, मगर अरे हमको डर है कि ये सब बात से कहीं रेखा की आत्मा ज्यादा ना बिगड़ जाए। तो भाभी से पूछ लेते। हे भाभी, हमको पता है आपके जिंदा रहते हुए आपसे पूछ के कोई काम नहीं किया हमने, लेकिन क्या है ना कि मरने के बाद इंसान की कीमत समझ में आती है। भाभी, ट्विंकल और राहुल के ब्याह की रजामंदी का कोई इशारा हमको दे दो। अरे क्या बात कर रही हो कंचन, आत्मा इशारा देगी कब? अरे देगी देंगी अम्मा, जरूर देंगी। भाभी कोई ऐसा इशारा देंगी जिनको देखते ही हम समझ जाएंगे। मम्मी, आप ट्विंकल की मम्मी से तो बात कर ली होती, उसके बाद मामी से कोई इशारा मांगती। अब देखना, मामी हमरे और ट्विंकल के ब्याह के बीच में कोई ना कोई तांडव जरूर करेंगे। तांडव?